तो हे गाइस, अगर आपको भी फोटो को मिक्स करके अगर आपको वीडियो बनाना है, यानी कि आप कैसे यहाँ पे फोटो को जोड़ जोड़ के यहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गाइस नॉर्मल तरीके से नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम वीडियो के अंदर शेक इफेक्ट भी डालेंगे, यानी कि आप कैसे हर एक फोटो के बीच में यहाँ पर इफेक्ट डाल सकते हैं और इस तरह के वीडियो बनाकर यहाँ पर आप रील्स पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप जिस प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाते हैं वहाँ पर आप अपनी वीडियो को बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलेगा वो जान लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले कैमस्ट्री ऐप को यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको वीडियो का रेशो सेलेक्ट करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले फोटो को यहाँ पर आपको लेकर आ जाना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको फोटो को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। चलिए गाइस कुछ फोटो को यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। इसी तरीके से आपको ये फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो अभी हिल रहा है इस तरीके से। अगर आपको इसे रोक के रखना है फोटो को, तो इसके लिए यहाँ पर आपको इस लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इस जो क्रॉपिंग है यहाँ पर आपको इसको इक्वल कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके बाद फोटो यहाँ पर हिलेगा नहीं और इसको यहाँ पर आप जूम भी कर सकते हैं इस तरीके से अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोटो हिल नहीं रहा है, बिल्कुल आपका रुका हुआ है इस तरीके से। इसी तरीके से आप चाहे तो सभी लेयर के साथ यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी फोटो यहाँ पे मिक्स हो चुका है इस तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पर आपको इस फोटो के बीच में अगर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट अगर आपको देना है, अगर आपको वीडियो के अंदर शेक इफेक्ट अगर आपको लगाना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको ये जो व्हाइट बॉक्स आपको दिख रहा है फोटो के बीच में, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर कैसे हमें तो इस वीडियो में शेक वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पर देना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे आना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको गेट मोड पर क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको कैमस्ट्री के स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी ट्रांजिशन इफेक्ट है जो कि यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम यहाँ से कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट डाउनलोड करेंगे, उसको यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। इसके लिए यहाँ पर आपको एक्शन वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको सबसे पहले नीचे आना है और ये जो सेकेंड का जो इफेक्ट है यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और इस वाले ट्रांजिशन इफेक्ट को यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बैक करना है, यहाँ पर आपको और भी कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाते हैं जिसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ और भी ट्रांजिशन इफेक्ट है जो कि यहाँ पर आप देखते हैं, इन सभी को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से इफेक्ट को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको बैक करना है, यहाँ पर आपको सभी इफेक्ट आपको मिल जाएंगे जो भी आपने यहाँ पे डाउनलोड किया है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि आपको जिस इफेक्ट को भी यहाँ पर आपको लगाना है, उसके लिए यहाँ पर आपको उस वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कैसे आपको इस तरीके से कुछ इफेक्ट आपको मिल जाएंगे जिसको यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी कुछ इफेक्ट यहाँ से मिल जाते हैं जिसको आपने डाउनलोड किया है, आप भी उस पर भी क्लिक करके यहाँ से आप इस तरह के इफेक्ट लगा सकते तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस आपको जो भी इफेक्ट यहाँ से लगाना है, सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको इफेक्ट को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टाइमिंग आपको मिल जाता है, यहाँ पर आप टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना ही इसे कम करेंगे उतना ही जल्दी यहाँ पर ये इफेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पर आप चाहे तो इसको आगे करके टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वैसे यहाँ पर बेस्ट वाला जो टाइमिंग है वो यहाँ पर 1.5 वाला है, यहाँ से आपको ये वाला सिलेक्ट करना है या फिर यहाँ पर आपको इसी के आसपास आपको इस तरीके से रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर गाइस आपको आगे वाला लेयर में आना है, यहाँ पर आपको व्हाइट वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रांजिशन इफेक्ट सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको सभी फोटो के बीच में यहाँ पर आपको इफेक्ट लगा लेना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर गाइस वीडियो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर अगर आपको वीडियो के अंदर अगर आपको साउंड ऐड करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑडियो वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से आप कोई भी MP3 सॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने फाइल से। उसके अलावा यहाँ पर आप चाहे तो कोई वीडियो का साउंड अगर आपको ऐड करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया पे जाना है और उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसका साउंड आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो में से साउंड निकालने के लिए यहाँ पर आपको इस कैच वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है या फिर अगर आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको नीचे भी मिल सकता है, यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको सिंपल सा एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस इस वीडियो का हमारा कोई काम नहीं है, तो यहाँ से हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइस इस साउंड के साथ आपको अपने वीडियो को मैच करने के लिए यहाँ पर आपको अपने इस लेयर पे क्लिक करना है और इन सभी लेयर को यहाँ पर आपको छोटा कर देना है इस तरीके से। तो जब आप छोटा कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर गाइस आपके वीडियो में साउंड ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस आप चाहे तो इन सभी लेयर को छोटा करके वीडियो के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपका साउंड अभी भी मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इन सभी इफेक्ट का जो टाइमिंग है इसको यहाँ पर आपको कम कर देना है इस तरीके से।
इस तरीके से यहाँ पर आपको कम करना है, और कम करने के बाद यहाँ पर आपको इस लेयर को छोटा कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस आपको वीडियो बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको वीडियो का रिजोल्यूशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पर गाइस ये प्रोसेस होने के बाद आपका वीडियो गैलरी में से हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका है। इसके लिए यहाँ पर गाइस एक लाइक तो बनता है पे। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।